ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। श्याम कृष्ण भक्ति में लीन हुए बैठे हैं। विद्यासागर का घर है, उनके साथ और दूसरे भक्त भी आए हुए हैं। खूब आनंद मनाया जा रहा है। भक्ति समर्पण और ज्ञान जैसा आनंद कहीं और नहीं मिल सकता। जो सांसारिक आनंद होता है उसके पीछे हलचल बनी रहती है मन में, कहीं भय, कहीं उद्विग्नता की संभावना, कहीं संशय आदि अनकॉन्शियस में चल ही रहे होते हैं। इच्छा कोई पूरी हो भी जाए, थोड़ा सा अच्छा लगे भी, पर ये बनी नहीं रहेगी, इसको बनाकर रखना है। ये बात खाए जाती है, थोड़ी देर के लिए तो उत्साहित हो ही जाते हैं, पर वो उत्साह, वो खुशी का गुब्बारा बड़ी जल्दी फूट जाता है। पर भक्ति के आनंद में, समर्पण के आनंद में, बस सब हाथ ऊपर करके नाचो, पूरे समर्पित होकर, भगवान ही मेरे हैं और मेरा कोई नहीं, भगवान ही सत्य हैं, पूरा चित्त उनमें लगाओ, तो जो भाव, जो आनंद आता है वो पूर्णतया निष्काम है, पवित्र है, सत्य स्वरूपा आनंद है वो, प्रेम स्वरूपा आनंद है वो। वो अपने स्वरूप से आ रहा है, किसी गलत वहमी से नहीं आ रहा कि बाहर से सुख आता है। तो श्री राम कृष्ण इस आनंद में सदैव मग्न रहते थे। आगे कह रहे हैं, चित्त को उन पर लगाना चाहिए, उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए, भगवान को, जिस भी रूप को मान रहे हो उन्हें बहुत प्यार करना चाहिए। पहले तो मन में ये बात ठीक ठीक बिठाएं कि जो हम साधना कर रहे हैं, जो कोशिशें चल रही हैं, वो किसी काल्पनिक वस्तु के लिए नहीं हो रही हैं, कि शायद है शायद नहीं है, भगवान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, पर चलो कर लेते हैं। नहीं, पहले इस निष्ठा को दृढ़ करते हैं कि वो ही सत्य हैं, वो ही सब हुए हैं मुझको मिलाकर, सारा संसार और मैं भी वो ही हुए हैं, यानी उन्हीं की सत्ता है। जैसे कोई लहर जल के बिना हो नहीं सकती, जैसे बादल आकाश के बिना हो नहीं सकते, जैसे एक कंगन सोने के बिना हो नहीं सकता, वैसे ही कुछ भी उनके बिना हो नहीं सकता। इस ब्रह्मांड में आजकल के साइंटिस्ट बताते हैं कि
खरबों गैलेक्सियां हैं। हर गैलेक्सी में अरबों खरबों तारे हैं और अधिकतर उनमें से सूर्य से बड़े हैं, बहुत बड़े हैं। उनके प्लैनेट्स हैं। हमारी पृथ्वी की तो कोई सत्ता ही नहीं है अगर ब्रह्मांड को देखें। और उसमें हम एक छोटी सी जगह पर छोटे से घर में रह रहे हैं और कितना सत्य मान रहे हैं, बस उस छोटी सी जगह, उस छोटे से घर और उस छोटे से दो चार लोगों को, दो चार कामों को, उसी में सदा उलझे हुए हैं। और दूसरी तरफ देखें, ईश्वर सब कुछ चला रहे हैं, सबका संचालन कर रहे हैं। वे खुद सब में बैठे हैं, सबको चला रहे हैं। जैसे श्री रामकृष्ण कहते हैं, मैं यंत्र तू यंत्री, मैं करता नहीं मैं भोगता नहीं, माँ तुम ही कर रही हो, सब तुम ही कर रही हो। बस साइंटिस्ट और स्पिरिचुअल लोगों में फर्क यही है कि साइंटिस्ट ये नहीं समझ पाते कि जिस ब्रह्मांड की खोज वो कर रहे हैं, जिसके नियम वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें वो भी शामिल हैं। यहाँ ऑब्जेक्ट है ही कुछ नहीं, सब सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और उसका ज्ञान, ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान एक ही हैं, वो ही सब हुए हैं। और वो बहुत सौम्य रूप में, करुणा से भरे रूप में, आनंद से भरे रूप में प्रकट भी होते हैं, रूप भी लेते हैं, ताकि हम उनकी भक्ति कर सकें, ताकि हम वापस उनमें समाने के लिए प्रयत्न कर सकें। जो अथाह है, अप्रमेय है, उसको जानना समझना अति दुष्कर है। भगवान कहते हैं, क्लेशो अधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम। अव्यक्त के साथ आसक्त होना थोड़ा मुश्किल है, तो भगवान ने खुद ही रास्ते बनाए हैं, खुद आ जाते हैं रूप लेकर। कई कई कलाओं से संपूर्ण होकर, ताकि उनको हम प्यार करें, यही श्री रामकृष्ण कह रहे हैं, उनको बहुत प्यार करना चाहिए। वो भक्ति से ही मिलते हैं, केवल तप से, केवल कर्म से नहीं मिलते हैं, उथले ज्ञान से नहीं मिलते हैं। भक्ति का अर्थ है कि मेरे जीवन में उनके अलावा और कुछ है ही नहीं। जो ये संसार दीख भास रहा है, इसका महत्व शून्य हो जाना और परमात्मा का महत्व सर्वोपरि हो जाना, निसंकल्प हो जाना, निष्काम हो जाना, ऐसी भक्ति, प्रेम रूपा भक्ति, समर्पण रूपा भक्ति। प्यार करें उन्हें, श्री राम कृष्ण कह रहे हैं। वे सुधा सागर हैं, वे अमृत सिंधु हैं, वे आनंद सिंधु हैं, वे करुणा प्रेम सिंधु हैं। एक एक बात को हृदय से आलिंगन करें, वे प्रेम सिंधु हैं,
सत्य सिंधु हैं, सर्वेश्वर हैं। कर्मों की गति उन्होंने बनाई, कर्म से बाहर निकलने के रास्ते उन्होंने बनाए, गुण उन्होंने बनाए, सुख दुख उन्होंने बनाए, द्वैत भाव अद्वैत भाव सब वो ही हुए हैं। ज्ञाता ज्ञेय ज्ञान सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नॉलेज सब वो ही हुए हैं। उन्हें प्यार करें, वे अमृत सिंधु हैं, इसमें डूबने से मनुष्य मरता नहीं अमर हो जाता है। जब अपना जो एक अलगाव है, जीवत्व है, वो परमात्म तत्व में विलय हो जाए तो मृत्यु काहे की हो रही है? अहंकार के भ्रम की। जो कारण शरीर है वो घुल गया सत्य में, मैं एक अलग से आत्मा हूं, इस बात को भी छोड़ दिया। तो मृत्यु काहे की हुई? भ्रम की हुई। भ्रम जाते ही अमृत तत्व की प्राप्ति हो जाती है। मन सुधा सिंधु में घुल जाता है, अमरत्व की प्राप्ति होती है। जो सदा पूर्ण है, निश्चल है, निश्चल है, पवित्र है, मन बुद्धि विलय हो जाते हैं, चित्त गुण आदि विलय हो जाते हैं। इस बात से डरना काहे का? ऐसा मरना तो चाहिए हमें। किसी किसी का यह विचार है, श्याम कृष्ण कह रहे हैं कि ईश्वर को ज्यादा पुकारने से मस्तिष्क बिगड़ जाता है, पर बात ऐसी नहीं है। यह तो सुधा समुद्र है, अमृत सिंधु है, वेदों में इसे अमृत कहा गया है, इसमें डूबने से कोई मरता नहीं है, अमर हो जाता है। मस्तिष्क बिगड़ना, नॉर्मली क्या सोचा जाता है कि जैसा सारा संसार सोच रहा है वैसा ही अगर आप सोच रहे हैं तो आपका मस्तिष्क ठीक है, आप अलग से कुछ धारा में बहने लगे, सोच में डूबने लगे, जो बाकी आपके आसपास के लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं, नहीं समझ सकते हैं, तो वो आपको पागल समझ सकते हैं। श्री रामकृष्ण को लोग पागल समझते थे। आपकी शिद्दत, आपकी एकाग्रता, आपका सत्य शायद वो न समझें। कोई बात नहीं है, आप उन्हें समझें और उन्हें ब्लेसिंग्स दें और उनके विचारों से मन को खिन्न न होने दें। भगवान ही ये सब टेस्ट आपके सामने रखते हैं कि आपका ज्ञान कितना परिपक्व हुआ है। कोई आपको आकर कह देगा कि ये सब बकवास है जो तुम सोचते हो, वहाँ पर आप क्रोधित हो रहे हो या शांति से मुस्कुराते हुए उसकी बात को नज़रअंदाज कर रहे हो?
उसको समझ रहे हो कि इसका ऐसा मन है, अभी गुणों में बहुत लिप्त है, पर इसका भी ध्येय वही है, ये जानता नहीं है। एक दिन ये भी परमात्मा में घुलेगा ही, परमात्मा से मिलेगा भी। आज नहीं तो क्या कल होगा। आप ब्लेसिंग्स देते हो कि सबको खुशी मिले, जिसकी जैसी श्रद्धा है वो उसके थ्रू ही, उस रास्ते से ही परमात्मा की तरफ बढ़े। कोई धन में श्रद्धा रखता है, कोई कीर्ति में रखता है, कोई स्त्री पुरुष में रखता है, संबंधों में रखता है। आप ब्लेसिंग्स देते हो, किसी की श्रद्धा नहीं तोड़ते हो। उस सांसारिक श्रद्धा के थ्रू ही आहिस्ता आहिस्ता जब खूब सुख दुख मिलेंगे, अधिकतर दुख मिलेंगे, तो कभी ना कहीं उपरामता आएगी, विरक्ति आएगी, और उसके बाद फिर ज्ञान टिकेगा, समझ में आएंगी बातें, उससे पहले नहीं आएंगी। और ये बात ठीक है, भगवान की रचना है और उनकी रचना ठीक है, उसमें कहीं कोई गलती न देखें। तो मस्तिष्क बिगड़ता है, भाई मेरे को तो यही चाहिए, बिगड़ा हुआ मस्तिष्क की चाहिए, मुझे मेरे प्रभु से प्रेम और उनमें खुद को खत्म कर देना, चिर समाधिस्थ हो जाना श्री राम कृष्ण की भांति, यही चाहिए। कोई समझे अच्छा, कोई न समझे अच्छा, इस बात का महत्व ही नहीं है कि कोई समझे। और दूसरी बात कि अगर ज्ञान और भक्ति के बिना ध्यान किया जाएगा, साधना की जाएगी, तो मस्तिष्क बिगड़ने के चांसेस होते हैं। केवल आप सांस पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या केवल शरीर के विभिन्न हिस्सों में सेंसेशंस को खोज रहे हैं, उन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, या केवल कुंडलिनी के चक्रों पर ही ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, पीछे भक्ति और ज्ञान नहीं है, तो मालूम नहीं, शायद मस्तिष्क बिगड़ जाए, कहीं के तार हिल जाएं अंदर में। इसका ख्याल रखें कि ज्ञान और भक्ति और इनकी सपोर्ट नींव है वैराग्य, त्याग, अकारण सबको प्रेम, निष्कामता, निस्वार्थता, ये सब एक साथ लेकर चलें। अकेले मन को केंद्रित करने की कोशिश करना बिना ध्यान, बिना ज्ञान और बिना भक्ति के, वो बात समझ में नहीं आती है। इसका ख्याल रखें। जब आप ठीक ठीक साधना कर रहे हैं तो जीवन आनंदमय होगा ही, साधना आनंदमय होगी ही। अगर मैकेनिकली कर रहे हैं, बस एक मंत्र को 10,000 बार रिपीट करना है, पीछे या तो इच्छाएं रखी हुई हैं और या मैकेनिकली कर रहे हैं, शायद इच्छाएं भी कोई रखी नहीं है, समझ के नहीं कर रहे हैं, तो उतना आनंद न आए शायद साधना में। पर जब समझ के कर रहे हैं, सचमुच में ही परमात्मा से अनन्य प्रेम चाहते हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे बातें कर रहे हैं, उनको खूब अपना मान रहे हैं, फिर विधि विधान ये सब साधना में गौण हो जाते हैं, प्रेम प्रमुख हो जाता है, सत्य प्रमुख हो जाता है। तो सत्य से, ज्ञान से और प्रेम से साधना करें, साधना भी अमृतमय हो जाएगी। भगवान हम पर कृपा करें कि हमारी साधना अमृतमय हो जाए, आनंदमय हो जाए, हम सदा उनमें डूबे रहें, मन उनमें विलीन हो जाए। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु, श्री रामकृष्णार्पणमस्तु, हरि ही ओम तत्सत्।